Lakshmi, in this case, this is a 26221-21. But in this case, the stay was granted by Honorable Justice Vishal Dhagat. Previously, what happened? How it is material? Yes, sir. How it is a material fact? That who granted stay? नहीं, इसकी मटेरियल है कि इसमें ये सवाल आया ना सर. क्या सवाल आया? ये सवाल ये आया है. क्या था सर, उसकी पहले का भी हिस्ट्री है कि पहले एक पिटीशन फाइल करी थी. दैट वाज 20512. इन दैट मतलब दे स्टेटस को वाज ग्रांटेड जी बाय ऑनरेबल जस्टिस संजय द्विवेदी जी. देयर आफ्टर मतलब दैट ऑर्डर इज ऑन रिकॉर्ड. मतलब काइंडली सी, उसमें ये कहा उन्होंने कि साहब इसको हम जो है वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटस को दे रहे हैं उस, और अगर कोई कंप्लेंट होगी तो जो है इनका वो कैंसिल कर दिया जाएगा. देयर वाज नो कंप्लेंट अगेंस्ट मी मर्ड. इवन देन द अथॉरिटी हैज कैंसल्ड माय. कहां है वो? वो पिटीशन पेंडिंग है कि डिस्पोज ऑफ हो गई? वो भी पेंडिंग है, उसके बाद ये भी पेंडिंग. 0512 सबको साथ लगा के सुन लेते हैं सर. एक एक मैं जो बता रहा हूँ बताइए. इसमें सर इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक और हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन थी उसमें इन्होंने माफी मांग ली. स्टेट हैज गिवन अंडर अनकंडीशनल एपोलॉजी. मतलब दैट पिटीशन मतलब 22239-22. In this, I will read out for your lordship that the answering respondent at the outset tenders the unconditional and unqualified apology. जी. तो ये सर सवाल ये है कि सब ये एक petition में इधर तो ये कहते हैं कि हमको stay vacate कराना है और तीसरी petition जो हमने contempt file किया in that they have asked for the tender apology. चाहिए. May I read this note? वो तो ठीक है, वो तो आपका जनरल जुमला है. वो तो उसका कोई मतलब नहीं है. वो तो हम भी समझते, हम भी समझते हैं कि यू डोंट मीन एनीथिंग बाय सेइंग दैट. इट इज जस्ट टू ऑब्लाइज द कोर्ट कि साहब क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए हम माफी मांग लेते हैं. उसका उससे बियॉन्ड कोई मतलब नहीं होता सर. मेरा कहना है कि अरे साहब आप तो ये तो इस पे आस्क बहस कर दो तो हम एक नया कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर देते हैं इसी इनकी माफी के ऊपर से. अरे रुक जाइए भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना. हम आपके सामने खड़े हैं. फिर मैरिज पे बताइए, फिर मैरिज पे आ जाइए. या तो इन दोनों केस को साथ में क्लब करके सुन लेते हैं. किसको? ये जो पेंडिंग आपकी पिटीशन है दूसरी वाली जी, WP20512/18. हाँ. ये और ये दोनों साथ में सुन लेते हैं. लिस्ट दिस केस अलोंग विद WP20512/18 इन द वीक कमेंसिंग 31 ऑन ऐसा करिए ऑन 3 अगस्त 2023 टॉप ऑफ द लिस्ट. चलिए 3 अगस्त जी. ठीक है, वीक कमेंसिंग. वीक कमेंसिंग नहीं, फ्री फिक्स डेट है 3 अगस्त. ठीक.